हाँ तो आगे कंटिन्यू करेंगे बच्चों, सेकंड स्टेंजा पे हम आएंगे। अब हम सेकंड स्टेंजा की बात करेंगे जो कि लिसन यू हियर से लेकर नोट ऑफ सैडनेस इन तक हमारे पास आ रहा है, मीनिंग आपको बताए जा चुके हैं। कवि कह रहा है द सी इज नाउ नॉट काम। अभी तक फर्स्ट स्टेंजा में उसने कहा था महासागर एकदम शांत है, लेकिन अब वो कह रहा है कि नॉट काम, शांत नहीं है। द एब एंड फ्लो ऑफ द वेव हैज स्टार्टेड, लहरों का उतार और लहरों का चढ़ाव शुरू हो चुका है। द वाटर राइजेज एंड फॉल, पानी की लहरें उठती हैं फिर गिरती हैं ऑन द कोस्ट, तट पर, एंड देन दे रिटर्न बैक, फिर वापस लौट करके आ जाती हैं। वैन दे राइज, और देखिए जब वो आगे की तरफ जाती हैं, ऊपर उठती हैं तट की ओर, दे थ्रो द पेबल्स ऑन द शोर, तो वो जाते वक्त अपने साथ कुछ कंकड़ महासागर में जो नीचे तह पर जमे हुए हैं उनको लेकर जाती हैं और तट पर डालती हैं। वैन दे रिटर्न, लेकिन अपने लौटते वक्त द वाटर पासिस ओवर द पेबल्स, पानी जो है उन कंकड़ों के ऊपर से गुजर के आता है और कुछ कंकड़ उनके साथ वापस भी आ जाते हैं। दिस एब एंड फ्लो ऑफ द वेव इज क्रिएटिंग ए काइंड ऑफ ट्रम्बलिंग म्यूजिकल साउंड। ये लहरों का जो उतार और चढ़ाव है, एब एंड फ्लो, वो एक प्रकार से कंपन करता हुआ संगीत की रचना करता है, उससे एक संगीत की रचना होती है, संगीत कंपोज होता है जिसकी आवाज़ कंपन करता हुआ कंपनशील संगीत है। इट इंस्पायर्स, और ये जो ध्वनि है कंपनशील संगीत की जो ध्वनि है उससे कवि जो है वो कवि को प्रेरित करती है सैड थॉट्स, दुखद विचारों के बारे में, अर्थात कवि के हृदय में इस ध्वनि को सुन करके दुखद उदासी के विचार आ जाते हैं। और कवि जो है वो मेलनकलिक हो जाता है। द पोएट आस्क्स हिज बीलव्ड, और फिर वो अपनी पत्नी से कहता है कम टू द विंडो टू लिसन टू द रोरिंग साउंड ऑफ द वेव्स अटेंटिवली, बड़े ध्यान से ये जो लहरों की गर्जना भरी आवाज़ है, ये जो कंपन करता हुआ संगीत है, इसको सुनने के लिए कृपया करके खिड़की पर आ जाओ, कवि अपनी प्रियतमा से कहता है। यहाँ एक शब्द आया, अगर हम उसके लिए देखें, द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। इटर्नल, इटर्नल का मतलब शाश्वत, हमेशा रहने वाला। द साउंड ऑफ द वेव टेल्स ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। ये जो लहरों की जो ध्वनियाँ हैं, लहरों के उतार चढ़ाव से जो संगीत पैदा हो रहा है, वो मानवीय जीवन के दुख और कष्टों के बारे में बताता है। एंड ही टेल्स अस इन नेक्स्ट स्टेंजा, और इसीलिए कवि जो है अब अगले पद में हमें बताएगा, इट इज़ इटर्नल, कि मानव का जो दुख है वो शाश्वत है, अर्थात मनुष्य हमेशा से ही एक दुखद जीवन जीता आया है और मानव का जीवन दुखों से भरा हुआ है। और इसके संदर्भ में मैं भी ये कहना चाहूँगी, यहाँ पर हमारे पास भी लाइफ इज़ नॉट बेड ऑफ रोजेज, जीवन जो है वो फूलों की सैया नहीं है। ह्यूमन लाइफ इज़ बेड ऑफ थ्रोन्स, ये तो कांटों का सिंहासन है, कांटों की सैया है। और आपने भी देखा है, कभी सुख है जीवन में तो कभी दुख है, जिस प्रकार से दिन होता है उसके बाद रात होती है और रात के बाद दिन होता है, ये प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसलिए कवि ने कहा है द इटर्नल नोट ऑफ सैडनेस, अर्थात मनुष्य हमेशा से ही एक दुखी प्राणी रहा है। इसके बाद अब हम थर्ड स्टेंजा की बात कर रहे हैं, थर्ड स्टेंजा जो कि शुरू हो रहा है सोफोक्लेज लॉन्ग अगो से, और ये चलता है नॉर्दर्न सी तक।
मीनिंग मैंने बताए हैं। सोफोक्लीस की हम बात करते हैं तो सोफोक्लीस जो था बेटा वो एक ग्रीक ड्रामेटिस्ट था, मैंने आपको बताया था, फ्रॉम 1962 से 406 BC तक। तो उसने भी एक बार यूनानी तट पर एट द कॉस्ट ऑफ द एगेनियन सी, यूनानी तट पर ही हियर्ड द रोर साउंड ऑफ द एब एंड फ्लो ऑफ द सी वेव्स। उसने भी महासागर के लहरों के उतार और चढ़ाव की गर्जना भरी इन आवाज़ों को सुना था। द पोइट सेज टू हिज बिलव्ड, कवि जैसा कि पहले हम बता चुके हैं कि कवि जो है वो अपनी पत्नी से कहता है दैट हियरिंग द साउंड, कि इस प्रकार की लहरों के उतार चढ़ाव की आवाज़ सुन करके सोफोक्लीस वाज रिमाइंडेड ऑफ, सोफोक्लीस को भी याद आया था द इंक्रीज एंड डिक्रीज इन मैंस मिजरी, कि मानव के जीवन में सुख और दुख हमेशा घटते बढ़ते रहते हैं जिस प्रकार महासागर की लहरें। समटाइम मैन बिकम वेरी मिजरेबल, कभी कभी आदमी बहुत दुखी हो जाता है ड्यू टू फिजिकल इलनेस, शायद अपनी शारीरिक बीमारी की वजह से, और लॉस ऑफ हिज किथ एंड किन, या फिर अपने रिश्तेदारों के खोने से। दिस इज द फ्लो ऑफ मिजरी, ये हमारे दुखों का उतार चढ़ाव है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद द पोएट फील्स ए बिग रिलीव्ड ऑफ मिजरीज, इंसान को सीरीज में कष्ट आते रहते हैं और उसके बाद उसे अपने दुखों से राहत भी प्राप्त होती है, थोड़ी आराम भी वो महसूस करता है। दिस इज इट्स ऐब, ये जीवन का एक ऐब है, उतार है। बट ही इज नियरली नेवर परफेक्टली हैप्पी, कभी यहाँ एक बात हमें ध्यान दिलाना चाहता है, भले ही हमारे संकट मिट जाएं, भले ही हमारे संकट कम हो जाएं, लेकिन इंसान जो है वो पूर्ण प्रसन्न कभी नहीं होता है। तो इसलिए बच्चों, अपने दुख को दरकिनार करके जो भी हमें कर्तव्य की पालना करनी है, उस कर्तव्य के पालना में अगर हमें कोई कष्ट आते हैं तो हमें ये सोचकर उन कष्टों को सहन करना है कि कष्ट जो हैं वो हमारे जीवन का एक अंग है, क्योंकि कोई भी मानव पूर्ण प्रसन्न नहीं है। और देखिए, थोड़े दिन सुख रहता है, उसके बाद सून अगेन द मिजरीज इंक्रीज, थोड़े दिन बाद फिर हमारे कष्टों में बढ़ोतरी होने लगती है। ये तो उसने आर्नोल्ड की बात बता दी। When Arnold hears the roaring sound at Dover, जब आर्नोल्ड डावर के तट पर इस गर्जना भरी आवाज़ को सुनता है, he is also reminded of the loss of man's religious faith. उसे याद आता है कि इंसान के आज धार्मिक श्रद्धा जो थी वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही है, और इस समाप्त होती हुई इंसान की धार्मिक श्रद्धा के बारे में वो हमें अगले स्टेंजा में बात करेगा। और अगला स्टेंजा हमारा शुरू हो रहा है द सी ऑफ फेथ, यहाँ पर मेटाफर की बात की जाएगी। देखिए, सिंगलेस ऑफ द वर्ल्ड तक ये स्टेंजा चलेगा, द सी ऑफ फेथ, नोट कीजिए। कवि हमें बताता है कि समुद्र की गर्जना भरी जो ध्वनि है सुनकर उसके मन में कौन कौन से भाव इस समय उत्पन्न हो रहे हैं। द पोएट टेल्स अस हियर इन दिस स्टेंजा व्हाट ही इज रिमाइंडेड ऑफ, कि उसे क्या याद आ रहा है। ऑन हियरिंग द रोरिंग साउंड ऑफ द सी वेव्स, समुद्री लहरों की गर्जना भरी आवाज को सुनकर। द रिट्रीटिंग वेव्स, लौटती हुई जो ध्वनियाँ हैं, टेल हिम द स्टोरी ऑफ द डिक्रीजिंग रिलीजियस फेथ, लौटती हुई लहरों के द्वारा जो गर्जना भरी आवाज़ पैदा हो रही है उससे कवि को मानवीय श्रद्धा की कमी हो, मानवीय श्रद्धा में, मानव की धार्मिक श्रद्धा में कमी होती हुई कहानी याद आ रही है। रिलीजियस फेथ सराउंडेड मैंस लाइफ इन ओल्डन डेज, प्राचीन समय में इंसान के जीवन को
धर्म ने इस तरीके से घेर रखा था जैसे कि एक बेल्ट की परतें कमर को घेर लेती हैं। कवि कहता है, रिलीजियस फेथ सराउंडेड मैंस लाइफ इन ओल्डन डेज लाइक ए ब्राइट फोल्डेड बेल्ट, एक चमकदार पेटी जैसे कमर को कस लेती है परतों से, उसी तरीके से श्रद्धा, धार्मिक श्रद्धा ने मानव के जीवन को घेर रखा था। एवरी मैन हैड फेथ इन सम रिलीजन, हर इंसान का किसी ना किसी धर्म में विश्वास हुआ करता था, श्रद्धा हुआ करती थी। जनरली एवरी मैन हैड फेथ इन गॉड, सामान्य रूप से हर इंसान का ईश्वर में प्रेम था एंड मॉरलिटी और नैतिकता में प्रेम था। बट इन मॉडर्न साइंटिफिक एज, लेकिन आज की आधुनिक वैज्ञानिक युग में गॉड हैज़ बीन डिथ्रोन्ड, इंसान मानव जो है उसको कहना चाहिए एक तरह से सिंहासन से उतार दिया गया है, डिथ्रोन्ड कर दिया गया है एंड मॉरलिटी हैज़ बिकम अनप्रैग्मेटिक, और जो नैतिकता है वो भी लाभहीन रह रही है, अर्थात बिना लाभ के हो गई है। लोगों का सोचना है कि नैतिकता से कोई लाभ नहीं होने वाला है। टू द पोएट द फेथलेस वर्ल्ड ऑफ टुडे, कवि को आज का जो ये श्रद्धाहीन संसार है अपीयर्स एज सी चीयरलेस, वो बिल्कुल उसे आनंदहीन प्रतीत होता है। एज द नेक्ड पेबल्स ऑफ द सी शोर, जिस प्रकार से लहरों के चले जाने के बाद समुद्र तट के नग्न कंकड़ रह जाते हैं, क्योंकि उस समय सिर्फ कंकड़ दिखाई देते हैं, पानी की लहरें उस पर होकर से गुजर जाती हैं और द वेव्स हैव एब्ड अवे, और लहरें जो हैं वो उसके ऊपर से चली जाती हैं। नेक्स्ट स्टेंजा हमारा शुरू हो रहा है आ लव से लेकर क्लैश बाय नाइट तक। अब इस स्टेंजा में हम बात करेंगे, हमने देखा कि इससे पिछले छंद में कवि ने कहा कि आज जो है वो जगत जो है वो आस्थाहीन जगत हो गया है और आनंदहीन जगत हो गया है। इस छंद में वह पुनः जगत के संबंध में अपनी मान्यता प्रस्तुत करता है। कवि कहता है, इन द प्रेजेंट स्टेंजा ही अगेन पुट्स डाउन हिज आइडिया अबाउट द वर्ल्ड। कवि कहता है, द पोएट इज इन फैक्ट ए प्लेस इन डिफरेंट टू मैन द वर्ल्ड इज, कि संसार वास्तव में आदमी के लिए आज बिल्कुल उदासीहीन हो गया है। इट अपीयर्स एज इफ, ऐसा लगता है मानो कि इट्स ए काइंड ऑफ ड्रीम, सिर्फ एक सपनों का संसार रह गया है। मैन हैज़ मैनी होप फ्रॉम दिस वर्ल्ड, इंसान को इस संसार से बहुत सी आशाएं होती हैं। ही थिंक्स दैट द वर्ल्ड इज ए ब्यूटीफुल प्लेस, वो सोचता है कि ये संसार एक बहुत ही सुंदर जगत है, बहुत ही सुंदर स्थान है एंड ही विल बी एबल टू बिकम परफेक्टली हैप्पी हेयर, और मानव ये सोचता है कि वो इस संसार में रह करके पूर्ण सुखी हो जाएगा। बट दिस इज ए डिल्यूजन, लेकिन ये बात इंसान का एक भ्रम है एंड मैन इज साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट टू, और इंसान जो है वो जगत की तुलना में एक तरह से मनोवैज्ञानिक रूप से मनोविज्ञान के ऊपर आश्रित हो जाता है। द वर्ल्ड रादर कैन बी कंपेयर्ड टू ए डार्क बैटल फील्ड, मेटाफर का प्रयोग हो रहा है। कवि जो है वो इस संसार की तुलना एक अंधकारपूर्ण युद्ध क्षेत्र से करता है, वो युद्ध क्षेत्र जहाँ की वेयर इन द डार्कनेस ऑफ द नाइट द आर्मीज आर फाइटिंग, जहाँ की अंधकार पूर्ण रात के अंधेरे में जो हैं विभिन्न प्रकार की सेनाएं जो हैं परस्पर आपस में लड़ रही हैं। दे आर नॉट नोइंग देयर फ्रेंड्स एंड फोर्स, वे अपने शत्रु और मित्रों को भी नहीं पहचान रहे हैं, उसके मस्तिष्क अज्ञान और भय से भरे हुए हैं। देयर माइंड्स, अर्थात इंसान का मस्तिष्क आर फील्ड विद कन्फ्यूजन एंड फियर, भय और उलझन से भरा हुआ है। सो टू मैन इज लिविंग इन कन्फ्यूजन एंड फियर इन दिस वर्ल्ड, इस भांति मनुष्य भी इस जगत में अज्ञान और भय से जी रहा है। इफ देयर इज एनी कॉन्सोलेशन इन दिस वर्ल्ड, काश इस संसार में कोई सांत्वना प्राप्त हो सकती
तो वह प्रेमियों के एक दूसरे के प्रति सच्चे होने से हो सकती है। कवि कहता है, यदि क्या नाम से इस संसार के अंदर किसी भी प्रकार की इफ देयर इज एनी कॉन्सोलेशन इन दिस वर्ल्ड, यदि इस संसार में कोई थोड़ी बहुत सांत्वना है तो दैट कैन ओनली कम फ्रॉम, वो सांत्वना हमें मिलती है द लवर्स, प्रेमियों से, बिकमिंग ट्रू टू ईच अदर, जो एक दूसरे के प्रति श्रद्धा और सच्चाई का भाव निभाते हैं या भावना रखते हैं। द पोएट एंट्रेट्स इट फ्रॉम हिज बिलव्ड, कवि जो है वो अपनी प्रेमिका से एक दूसरे के प्रति सच्चा होने की महत्वाकांक्षा या आकांक्षा रखता है। अब यहाँ पर प्रकृति के संबंध में यदि हम आर्नोल्ड की इस मान्यता की हम वर्ड्सवर्थ की मान्यता से तुलना कर सकते हैं, वर्ड्सवर्थ प्रकृति को मनुष्य की धाय मानता है, मनुष्य की नर्स मानता है, मनुष्य की पोषक मानता है। आर्नोल्ड के अनुसार प्रकृति मनुष्य को कोई आनंद, प्रेम, प्रकाश, निश्चय शांति और मदद नहीं देती है, उसको इसे परस्पर की मदद से प्राप्त करना पड़ता है। मनुष्य प्रकृति मनुष्य के प्रति नितांत निरपेक्ष रहती है। हम अपने मनोविज्ञान से, अपने मस्तिष्क की भावनाओं से सुख और दुख को प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा आर्नोल्ड का मानना है। आर्नोल्ड कहते हैं द ओनली क्योर टू द वर्ल्ड्स इल इज लव। नोट करेंगे यहाँ पर हमें आर्नोल्ड की फिलॉसफी ऑफ लव जो है वो दिखाई दे रही है। आर्नोल्ड के अनुसार जगत के रोगों का इलाज ओनली एंड ओनली प्रेम है। टू बी ट्रू टू ईच अदर, एक दूसरे के प्रति वफा और सच्चाई के साथ इस प्रेम को निभाना, एंड दिस ही वॉन्ट्स अस टू लर्न, और कवि इस कविता के माध्यम से हमें इसी प्रकार के श्रद्धापूर्ण प्रेम को सिखाना चाहता है। कहता है, आ लव, लेट्स बी ट्रू टू वन अनदर, कम से कम हम तो एक दूसरे के प्रति सच्चे हो जाएं। मैन कैन किंडल लाइट इन दिस डार्क वर्ल्ड, इंसान जो है वो इस अंधकारपूर्ण संसार में एक मोमबत्ती जला के प्रकाश पैदा कर सकता है, थ्रू लव अलोन, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम से। अगर इस कविता के हम मेटाफर और इनकी बात करें या हम एक्सप्रेशन की बात करें, तो यहाँ पर कवि ने ह्यूमैनिटी इज़ प्रेजेंटेड एज ए सी शोर, देखिए मेटाफर बहुत ही सुंदर तरीके से कवि ने अपने जो विचार हैं उनको बड़े ही सुंदर तरीके से मेटाफोरिकली प्रस्तुत किए हैं। ह्यूमैनिटी इज़ प्रेजेंटेड एज ए सी शोर, मानवता को समुद्री तट के रूप में प्रस्तुत किया गया है। फेथ एज द सी, श्रद्धा को महासागर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। इन द पास्ट एजेस, अतीत के युगों में द हार्ट ऑफ मैन वॉज फुल ऑफ फेथ, इंसान का हृदय श्रद्धा से भरा हुआ था। लाइक ए बीच, बिल्कुल एक ऐसे तट की भांति, कवर्ड विद सी वाटर, वो तट जो महासागर के पानी से आच्छादित रहता है। एट द टाइम ऑफ द फ्लो ऑफ द टाइड, ज्वार भाटे के समय। टुडे द ह्यूमन हार्ट इज ड्राई, लेकिन आज मानवीय हृदय सूख गया है। लाइक ए बीच, बिल्कुल उसी तट की भांति, एट एब टाइड, ज्वार भाटे की तट समय पर। ओनली द ड्राई एंड सोल लेस रिलीजियस फॉर्मूलाज, सिर्फ ऊपरी दिखावे के सूखे धार्मिक नियमों को, सेरेमनीज, उत्सवों को एंड प्रैक्टिस और परंपराओं को हम मानते चले आ रहे हैं, और ये परंपराएं सिर्फ पेबल्स की भांति हैं, उन उघाड़े हुए कंकड़ की भांति हैं जिनके ऊपर से जो है लहरें अपने आप होकर गुजर जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि कवि ने इस कविता में बहुत ज़्यादा पैसिमिज्म को व्यक्त किया है, निराशावाद को व्यक्त किया है। द पोएम हैज़ ए सैड म्यूजिक अबाउट इट, सैड लाइक द स्लो मॉर्नफुल बीट ऑफ द वेव्स, बिल्कुल धीरे धीरे चलने वाली दुखद गीत गाने वाली समुद्री लहरों के समान। इट हैज़ दैट नेट नोट ऑफ सैडनेस, इसके अंदर इस प्रकार का दुखद भाव है, एंड डिससेटिस्फैक्शन और असंतुष्टि का भाव है, दैट इज़ सो कॉमन इन आर्नोल्ड्स राइटिंग, आर्नोल्ड्स की
अधिकतर कविताओं में इस प्रकार का भाव हम देख सकते हैं। ऑल थिंग्स कंसीडर्ड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल पोएम इन द लैंग्वेज। अब हम यूँ कहें कि अंग्रेजी साहित्य में यदि हम देखते हैं तो ये सुंदर कविताओं में से एक कविता है। सिंपल है एंड सजेस्टिव, बहुत ही उपयुक्त है। वर्तमान समय में यदि हम इसकी उपयुक्तता देखें तो ये बहुत ज़्यादा उपयुक्त है। विद ए हैवी स्वीटनेस येट रेस्टेंट इन एक्सप्रेशन, लेकिन इतनी मधुर और उपयुक्त होने पर भी इसकी जो अभिव्यक्ति है वो काफ़ी नपे तुले विचारों में और बहुत ही नपे तुले भावों में कवि ने अपने इन विचारों को व्यक्त किया है। इसी के साथ इस कविता को हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में